आदरणीय दर्शकबिंद, कार्यक्रम चक्रव्यूह के 13 एपिसोड में अपने सबके बहुत बहुत स्वागत है। समाज के एक सचेत नागरिक आ पत्रकार के हैसियत से समाज में रहल बहुत प्रकार के विभेद के हटेबाक इस सार्थक प्रयास है कार्यक्रम चक्रव्यूह। चक्रव्यूह के चर्चा होते अपने सबके याद अबित हो महाभारत के वो पात्र अभिमन्यु, जिनका चक्रव्यूह रच का और वो महाभारत के महान योद्धा सब उनका हत्या कैल गए। लेकिन हम कहब जो चक्रव्यूह तो तोड़ के है, लेकिन अभिमन्यु बनकर नहीं, चक्रव्यूह तोड़ के है अर्जुन बनकर। और धनुषाधाम जे नेपाल के प्रमुख पर्यटकीय स्थल है, विशुद्ध रूप से एक समय रहे चक्रव्यूह में फंसल रहे। और आब धनुषाधाम वासी जे अई जंगल के चारू साइड जे रही छथिन, चाहे मंगलपुर के बात करी या किसानपुर के बात करी या धनुषाधाम के बात करी या गोविंदपुर के बात करी या मखनाहा के बात करी, सब वासी सब बुझ गए जे नहीं, आब धनुषाधाम जंगल के संरक्षण कर के और धनुषाधाम के पर्यटकीय स्थल के रूप में बनाब के है। कोई पागल कहता है, कोई दीवाना समझता है, ये धरती की बेचैनी को केवल बादल समझता है। तुम उससे दूर कितनी है, मैं तुमसे दूर कितनी हूँ, ये तेरा दिल समझता है कि मेरा दिल समझता है। हमरा बुझाइए जे धनुषाधाम के जे पीड़ा रहे, वो पीड़ा बुझ गए अठमन के लोग, चाहे हमर दीपक जी बुझ गए या राष्ट्रपति चरतारा मध्य संरक्षण समिति के अध्यक्ष बीरेन जी बुझ गए या देव नारायण जी बुझ गए या शंकर जी बुझ गए या हमर जगदीश जी बुझ गए या अठमन के सारा लोग बुझ गए जे नहीं, धनुषाधाम अपना बनाब के। जो धनुषाधाम पर स्वयं अहाँ नहीं चिंतित करब, धनुषाधाम के परिकल्पना अहाँ नहीं करब, तो धनुषाधाम अहाँ के कहियो जैसे अगाड़ी नहीं बढ़त। तो विशुद्ध रूप से अपने सब जना धरती के बेचैनी के बादल बुझ गए, तेनाते धनुषाधाम के छटपटाहट रहे वो छटपटाहट अठमन के वासी सब, ते हम सब धनुषाधाम वासी के क्षेत्र के हम हृदय से बहुत बहुत नमन करी छी। हमरा बुझाइए जे धनुषाधाम के पर्यटकीय स्थल बनाब के लेल की संभावना सब है। आई हमरा सके बीच में वन मंत्रालय के सचिव जी छथिन कृष्ण चंद्र पौड़ेल जी और राष्ट्रपति तराई मधेश संरक्षण समिति के अध्यक्ष वीरेंद्र यादव जी छथिन और दू दूटा डायरेक्टर छथिन वन के, पूर्व डायरेक्टर गणेश राय जी छथिन वन के, और सब गोटे चिंतित छी जे धनुषाधाम के बनाब के है। ताई निश्चय हम सब जे है से बहुत गंभीर विषय पर छलफल करब। ऐतिहासिक धार्मिक पवित्र स्थल धनुषाधाम के पर्यटक स्थल के रूप में विकास करे के लेल कतेक आवश्यक है, तो देखिए अपने सभी सुंदर संगीत। स्वर्ग सा सुंदर मिथिला धाम, मांडन अयाचि राजा जनक के गाम। स्वर्ग सा सुंदर मिथिला धाम, मांडन अयाचि राजा जनक के गाम। जैठम उगना बनला महादेव विद्यापति के जानियो। स्वर्ग सा सुंदर मिथिला धाम, मांडन अयाचि राजा जनक के गाम। जैठम उगना बनला महादेव विद्यापति के जानियो। स्वर्ग सा सुंदर मिथिला
हमरा नीता मोन लगैया अपने प्रेमक नगरी में हमरा नीता मोन हो हमरा नीता मोन लगैया अपने प्रेमक नगरी में मिथिला का बोल अनमोल लगैया मिठका बेर जेहन सबरी के झुकी झुकी करे छी हम माय के प्रणाम मांडन आया जी राजा जनक के गां जनक के गां धनुषाधाम के बात करी ती रामायण कालीन भूमि है विश्व के कोनो एहन जगह पर धनुष के टुकड़ा नहीं हेतु गिरल संसार के कोनो एहन जंगल में बाण गंगा नहीं हेतु 360 हेक्टर भूमि नेपाल के बहुत महत्वपूर्ण भूमि है और यह भूमि धनुषाधाम के काया पलट अपने के कर देते लेकिन एकरा हम सब जैसे व्यवस्थित रूप से आगाड़ी बढ़ा पड़त और आज धनुषाधाम वासी जे सचेत भेलै है तब सरकार सहयोग करे लगले और हम सब अचेत रहब सरकार सहयोग नहीं करत हम सब अपना में झै झगड़ा में लागल रहब सरकार सहयोग नहीं करत और पर्यटक के देख के वातावरण बना दियो शांति बना दियो और वो जगह के साफ सुथरा करके रखियो तब पर्यटन अपने के आकर्षण के केंद्र बने श्रीनगर के जो डॉल झील है वो पर्यटक जो झील में जाए थे तो अभी के मन नहीं करे और वो झील श्रीनगर के वो स्वर्ग के टुकड़ा जगह है तो धनुषाधाम निश्चय ही नेपाल के भूमि के अगर बात करें तो ईश्वर के टुकड़ा है ईश्वर के भूमि है ईश्वर के भूमि है देव भूमि है भूमि में वो शक्ति है जे अ क्षेत्र में पर्यटक के लिए आकर्षण के केंद्र बनते और परिकल्पना करूँ जो बड़का बड़का रिसोर्ट धनुषाधाम में बन सकिए परिकल्पना करूँ जो धनुषाधाम में बड़का बड़का होटल सब भी खुल सकी है जे युवा सब विदेश में जाए छे अगर अहिठम पर्यटक के हिसाब से रोजगारी मिल जाते तो सऊदी अरब कतार में वो 55 डिग्री के टेम्परेचर में काम करने जाते 50 डिग्री के टेम्परेचर में वो काम करने जाते बाहर अहिठम वातावरण बन जाते ते दुआरे आई हम सब अही विषय पर केंद्रित होकर बातचीत करब आब अपने सब बस अही पर केंद्रित होकर 1 से 2 मिनट के भीतर में अपन विचार रखबे और वो विचार टू द पॉइंट रखबे जे धनुषाधाम के पर्यटक स्थल बनावे के लेल धार्मिक स्थल बनावे के लेल की सब संभावना है चिड़ियाखाना बनाएल जाए कि नहीं बनाएल जाए धनुष द बनाएल जाए कि नहीं बनाएल जाए वनस्पति उद्यान जे अ प्रदेश में मात्र एकटा है धनुषाधाम में ओकर अगाड़ी हम सब केना बढ़ाए जड़ी बूटी के जे केंद्र है हम सब अबे छलिए देखलिए जे है से किछ चिड़ै सब सिमसार में बैठल
परिकल्पना करी छले जे जहिया द बन जेते बड़का तब साइबेरिया के चिड़ी सब एते और जंगल में आनंद करते। और आप जंगल के जे अवस्था है वो अपने के जंगली जानवर के संख्या से दिन दिन बढ़ रहा है। तो हम सब अही पर विषय पर केंद्रित भ के बातचीत करब। हम कहब जे पहले अई साइड से कम से कम 7-10 आदमी के व्यू हम अ साइड से ली और अहू साइड से उतबे के व्यू ली और वो व्यू एहन हुए वो विचार एहन हुए जे धनुषाधाम के काया पलट करे और धनुषाधाम के विकास आगू बढ़े। बस ऐसा ही। सबसे पहलका तो जंगल सर्वोपरि है, जंगल के संरक्षण करे पड़ते। वही के लेल जे अखनी समाज सब जना अगाड़ी बढ़ल है अवश्य ई जंगल संरक्षित होते, हमरा पूर्ण विश्वास है। वही के बाद में वन जंतु के लिए हमरा सबके दोसर नेशनल पार्क सबके शुरुआत हमरा सबके कुछ दू चारिटा हरिण ला कर राखब पड़ते। जेना चितवन नेशनल पार्क में कहने छै एकटा हाथी के व्यवस्था बाहर राखब पड़ते, जैसा लोग आकर्षित होते, बहुत दूर दूर से लोग जेना चितवन में अबै छै ओहू जा आबे के शुरू करते। तेने पोखरी में भेलै, पोखरी में ओही जगह चिड़ै सब नै साइबेरिया से लऽ कऽ बहुत दूर दूर के चिड़ै सब बड़का सब आके बैठतै, जे लोग देखे के लिए आकर्षित होतै। ओहिमे पर्यटन विदेशी पर्यटक सब सेहो लुभतै आ लोग अइजा आके देखे के प्रयास करतै। यो धनुषाधाम एउटा यस्तो महत्वपूर्ण क्षेत्र हो, एउटा धार्मिक क्षेत्र, ऐतिहासिक क्षेत्र, त्यस्तै गरेर यो चाहिँ यस्तो पारिस्थितिकीय प्रणाली भएको क्षेत्र हो र यो एउटा मात्रै उष्ण प्रदेशीय क्षेत्र हो र यसमा यसलाई संरक्षण गर्नुपर्ने, यसलाई विकास गर्नुपर्ने र पारिस्थितिकीय प्रणालीको आधारमा विकास गरेर स्थानीय जनताको समृद्धिसँग जोड्नुपर्ने यसको महत्त्वपूर्ण विषयवस्तु हो र यसमा स्थानीय जनता, यहाँको स्थानीय एनजिओहरू, पत्रकारहरू सबैजना मिलेर एउटा राम्रो कामको सुरुवात भएको छ। यो साह्रै नै सराहनीय छ, मलाई आशा छ केही वर्षभित्र यसको कायापलट हुनेछ र पर्यापर्यटनमा यो चाहिँ एउटा अग्रणी स्थान र अग्रणी डेस्टिनेसन हुनेछ भन्ने मैले विश्वास लिएको छु। कारणले गर्दा यहाँ भएको पारिस्थितीय प्रणाली, यहाँ भएका वन्यजन्तुहरू, यहाँ भएको रुख बिरुवाहरू, यहाँ भएको चाहिँ परिस्थितिसँग मिल्ने खालको, त्यसलाई मन पराउने खालका पर्या यो वातावरण प्रिय पर्यटकहरूलाई यहाँ आकर्षित गर्न सकिन्छ। विद्यार्थी सबके आकर्षित गरेको लेल नेपालमा पाएवाला यही क्षेत्रमा पाएवाला जितना वृक्ष सब छ ओकराके कोनो एगो फर्मके रूपमे वृक्षारोपण कऽ गेलाके बादमे इसकुलसँ पढ़ैवला विद्यार्थी सब आके ओके देखत, ओके स्टडी करत। ओहो एगो छै जैसे अभी एगो व्यू टावर बन रहल छै तऽ एक दू चारि जगह आओर बनाओल जाए कि आओर साइडसँ प्रवेश करत। ओहि लेखा धनुषाधामके जे पहिलेके जे बाँध गिरल छै ओकराके एकराके रिलेशनमे लावल जाए। ओहि लेखा माने होम स्टे अभी पहाड़मे देखल जाओ तऽ बहुत जगहसँ कि यही लेखा धार्मिक स्थल छै, ओकरा अगल बगलमे जे छै लोक घर सफा सुघर बनाके रखले छथि, जौन पर्यटन सब अयलै ओकराके रातमे ठहरबै छथि, खाना खियाबै छथि, ओकर मिनिमम चार्ज लै छथि, ओहिसँ ओ लोकके आमदनी भऽ रहल छै। तऽ ओ चीजके यहाँ अगाड़ी बढ़ावल जा। ओहि लेखा जैसे अभी दहके विकास भऽ रहल छै, एहिमे जे है से विभिन्न किसिमके मछली पालल जाउ, है ना, घोड़ा चढ़ैवला जैसे हाथी सफारीके बात आ गेलै, है ना, रिंग रोड बनाके ओकर जे है से साथ साथ जंगलमे जाइके छोट छोट रास्ता जोनासँ जे है से गाड़ीसँ आदमी विभिन्न किसिमके जानवर देख सके, ई सबके व्यवस्था कयलासँ हमरा लगैत है कि भविष्यमे एक बढ़िआँ तीर्थस्थलके रूपमे पर्यावरणके कमसँ कम क्षति होइ तै किसिमके क्रियाकलाप होइ तऽ शुभकामना दै छी। आओर जहाँ तक अपने सब मिनी जूके जूके बात करै छी, चिड़ियाखानाके बात करै छी, एहिके एकटा डिटेल प्लान बनऽके आवश्यक छै आओर कानूनी जे प्रक्रिया सब छै ओकरा अवलम्बन केनाइ जरूरी छै। आओर समग्रमे धनुषाधामके ई एकटा उष्ण प्रदेशीय महत्व छै, ट्रॉपिकल फॉरेस्टके एकटा नमूना छै आओर एहिमे एहि क्षेत्रके जनताके, देशके जनताके समृद्धिके सम्बन्ध सेहो छै। ताहि दुआरे जनता द्वारा एहिठाम संरक्षण भऽ रहल छै, एहिठिना अपने सबके जनताके सहयोगसँ एहिठिना चरित्रण पूर्ण रूपसँ बन्द छै, आगो लगैके पूर्णसँ की कहै छै जे बन्द छै अपने जनताके सहयोगसँ, तऽ ई जनताके सहयोग आओर दिनादिन बढ़ैके आवश्यक छै। धनुषाधाम जे छै से धार्मिक स्थल छै आओर एहिठाम भारतके कोना कोनासँ
श्रद्धालु भक्त जन सब अबै छै आ ओकरा सब के आकांक्षा रहै छै जे एठम शुद्ध शाकाहारी भोजन के हमरा सब के प्राप्ति हो। ओ सब कोनो होटल में अंडा देख लै छै त ओय में खाना नै खाइ छै, तै दुआरे एठम शुद्ध शाकाहारी होटल सब के व्यवस्था बेसी से बेसी होय, हुनका सब के वही अनुरूप के श्रद्धा भाव से रह वाला जगह धर्मशाला सबके निर्माण होए, साथे जंगल के चारों कात घूमे के लेल एक बढ़िया रिंग रोड होए, तहिना जे कहले था जे चिड़ियाखाना से एक एशिया मापदंड के एशिया लेवल के एक जैठम चिड़ियाखाना भ जाए, तहिना सिमसार क्षेत्र छे जे एकदम जे एठम अबे तो बोटिंग करला भरि दिन वही में घुरिया जाए, एहन एक सिमसार क्षेत्र से कह दियौ। आ तकर बाद जे छे से एठम ई क्षेत्र एहन छे जे एठम जे दुनिया में कतौ नहीं भेटै छे से जड़ी बूटी सब एहि क्षेत्र में भेटै छे, तै दुआरे वनस्पति छे वही वनस्पति के सेहो सहयोग कह दियौ जे जाकर ओहिठाम बढ़िया बढ़िया बन सब जड़ी बूटी सबके संरक्षण भ सके। आ तेसर अइ क्षेत्र में एक मिथिला वाइल्ड लाइफ छे जे बहुत अपना खाली पेटे अखन जीव जीव दान से लागल छे अथी वन के संरक्षण में लागल छे, तै दुआरे वही के मिथिला वर्ल्ड लाइफ के सेहो किछ अथी सहयोग भ जाए जे ओ और निक से काज करे। हम एक बात कथी कहबै, ओ बात कहबै सिर्फ दू कह के वन सचिव साहब के आ ई चूड़े के जे अध्यक्ष छथि वीरेंद्र यादव दाई हुनका हुनका सबके पाला में कम से कम एकरा मैले विकास करे के लागि कथी कथी करे पड़ते, ऊ सब हुनका सबके जिम्मा में छै। ऊ सब यदि चाहता तो अपना कार्यकाल में एकरा स्वर्ग बना सकै छथिन, यदि नै चाहता तो कुछ नै होतै। तै दुआरे हम हुनका सबसे कथी अनुरोध करबै कि हिनका स्वर्ग बना दियौ, जिंदगी भर माले बाल बच्चा तक लग सबके नाम रहत, यदि नहीं बनेबे तो कहत कि वीरेंद्र दाई अल चल गए चाहे वन सचिव साहब अल चल गए नाम नहीं रहता, लेकिन हुनका कार्यकाल में यदि एठम ई भ जाय है तो कम से कम पुस्तो पुस्ता नाम रहत, से हम मात्र अनुरोध करे चाहे छी। धनुषाधाम विकास कोष सर्वप्रथम स्थापना होनाई नितान्त जरूरी है, जेना लुम्बिनी विकास कोष है सगरमाथा है तेना ही धनुषाधाम विकास कोष नितान्त आवश्यकता है। दोसर चीज जे चल आल तक अपने दोहराब चाहब, यातायात यदि धनुषाधाम में जनकपुर धाम से और धनुषाधाम से धारा पानी यातायात के जस्ट जे अभी रूट के पोजिशन है तेमें जस्ट डबल भ जाए है तो वो अहाँ के धनुषाधाम के ऑलरेडी विकास अपन के चरण में प्रवेश करते। तो के बाद में हम श्रीमान सचिव जी से विशेष अनुरोध करबे, ऐसे पहले राष्ट्रीय निकुंज के बात आबि रहल है, अभी पूर्व डायरेक्टर साहब कह लेलखिन श्री राष्ट्रीय निकुंज छोट स्तर में स्थापना भ सके छले, लेकिन हमरा जब जानकारी भेल कुछ दिन पहले हम वर्तमान डायरेक्टर साहब से बात कने रही तब राष्ट्रीय निकुंज में कुछ क्राइटेरिया नहीं मीट कर रही, तै के लगा आई के दिन में एज ए नेपाल सरकार के तरफ से और विशिष्ट व्यक्तित्व के तरफ से ओहि धनुषाधाम जंगल के ओहि धनुषाधाम के चिड़ियाखाना के बातों चल अल स्थानीय दक्षिण एशिया स्तर के चिड़ियाखाना घोषणा कर दी से हम विशेष अनुरोध करे चाहे। देश में भ्रष्टाचारी बंद भ जाए तो विकास हो में किनको दिन हम सब अपने सब सब कोई सर सफाई पर हमरा अहाँ के घर आंगन सर सफाई रहते वही से जुड़ू सर सफाई के प्रतिज्ञा दैत सर सफाई पर ध्यान दैत और हम कहबे जे एठाम कनेक्टेड रोड धनुषाधाम के जे रोड छै कम से कम जनकपुर से धनुषाधाम और धनुषाधाम से धारा पानी के रोड कम से कम 4 लाइन होए। अइ धनुषा जंगल के धार्मिक दृष्टिकोण से देखल जाए तो धनुष मंदिर है आ 100 बरस से बेसी गाछी के भेलो थे, जते गाछी देखे छी सखुआ के 100 बरस से बेसी हो बाबा पर बाबा के देखल छै। अइ चीज के लागी जे से हम सब बार बार अनुरोध कक हम सब जे से अपन मुँह में टाटी लगा दिलिये अइ जंगल के जे से आने उद्यान कखनू होते चिड़ियाखाना कखनू होते हमरा बाल गंगा के जे है से मान लिया उधार कखनी हेतै हमरा धनुषा के उधार केना होते हमरा समाज के उधार केना हेतै हमर पोखरी केना बनते हमरा सबसे ई अनुरोध है जे आने मान ले जा ई रिंग रोड जे से जल्दी में बन जैते तब बहुते ठीक रहते। रिंग रोड में जाए लगी अहाँ के पर्यटन हेतु अहाँ के पर्यटन से जे से आने अगाड़ी बढ़ते तै लेल जे से आने एक से मान लिया जाए सरप आयल छे वही सरप के लगी जे से आने कहाँ कहाँ के लोग सब जैसे विदेशों के लोग सब आबिक देखे हम अ के मेन भूमिका अ सबसे धन्यवाद हम शंकर जी के दिए चाहे छी कि जखने मेन कर्मचारी जे होइ छै ओकर सोच अगर परिवर्तन और सुनम होय तो ऑटोमेटिक आई एते आयल छै अपने नै आयल छै
हुनकर मेन भूमिका और अयोध्या के जे वासी सब स्थानीय वासी राजनीतिक पार्टी सब है हुनकर सक्रिय भूमिका में विकास के क्षेत्र में गेल है। मेन तो धनुषाधाम में सबसे पहले सर सफाई के होना एकदम अति जरूरी है और रोड यातायात जे कि पर्यटक के आवा के लागी सुरक्षा और यातायात के व्यवस्था हुआ पड़े और बन के जे चारवा रिंग रोड के बात है बन के जे जगह जे है वासी सब बन के नापी नहीं भेल छे अहू में कि होइ छे बहुते के घर सब नापी के बात भ रहल है लेकिन ई भ जाते तो बहुते निक रहते। हम जिन्हें मकमानपुर में देख लिए चितवन में वो चिड़ियाखाना बन जाती है धीमीरे ठाँव के नाम तो बिसर गए लेकिन धीमीरे चारा के नाम जाने छी चारा जो हमारा में चल अती वन में तो आरो बेसी निश्चित रूप में धनुषाधाम अहाँ के ऐतिहासिक नगरी भेला के चलते एक धनुषाधाम के संवर्धन के लिए अहाँ के सबसे पहले विश्व सम्पदा के सूची में एक रखना अहाँ के आवश्यकता देख रहा है और तेकर बाद में संरक्षण के भीतर में रह वाला चीज सब जे अहाँ के मूल्य चीज सब है अमूल्य चीज सब है तेकरा सबके संरक्षण करना आवश्यकता है जेना कि अहाँ के धनुष बाबा मंदिर है ओकरा अहाँ के संरक्षण संवर्धन करना एकदम आवश्यकता है तेकर बाद में दुनिया में नहीं कतौ हुआ वाला बाणगंगा है ओकरा अहाँ के संरक्षण संवर्धन करना एकदम आवश्यकता देख रहा है ताहि दुआरे सबसे पहले अहाँ के साबिक चीज सबके अहाँ के संरक्षण करना हमारा नजर में ठीक होते से हम कहते हैं विकास के क्रम में एक चारिटा पिलर के महत्वपूर्ण ध्यान दिए पड़ते जैमे पर्यटन मंत्रालय वन मंत्रालय स्थानीय विकास मंत्रालय ये तीनों के कमाइंड क एकीकृत योजना बना के धनुषाधाम के विकास अगाड़ी बढ़ावे पड़ते विकास से जे एहन महत्वपूर्ण पर्यटक स्थल ठाँव जे मान लें विश्व में एक परिचित ठाँव धनुषाधाम है ते धनुषाधाम के विकास के लिए अगर एकीकृत योजना बना के जना ताले ताल एक बनाएल जा सकै छे पर्यटन के में लाल जा सकै छे और धनुषा जंगल से एक चिड़ियाखाना के रूप में बना के तुरंत अविलम्ब टिकट दर शुरू कर देवे तो एकदम आमदनी के स्रोत भ हेतै कतौ से एक ढुआर निराव पड़ते सिर्फ शुरू में लगानी करे पड़ते तेकर बाद ये अपने आप में महत्वपूर्ण भ हेतै अपने आप में एक आमदनी के स्रोत भ हेतै और ओहना कहल जाइ छै दू नंबर प्रांत में एकदम गरीब प्रांत है वो में आमदनी के स्रोत वाला ने कोनो एहन लेकिन धनुषाधाम के अगर एक पर्यटक स्थल से एक रूप में अथी निर्णय कर अगर गाड़ी बढ़ाएल जाए तो धनुषाधाम बहुत महत्वपूर्ण ठाँव है एक रिंग रोड के बात उठे एक बजट सब भी चलाएल है घेरा के बात धन्यवाद देवे जे एक समिति सबके जे बिना घेरा के ये मालजाल भीतरी नहीं ढुक रहा है जे अपने आप में एक महत्वपूर्ण है कतौ भी संसार में नहीं देखल गेलै लेकिन धनुषाधाम के ये राजनीतिक दल एक नागरिक समाज और एक बुद्धिजीवी सब पॉजिटिव रूप में लेने छै जे एकरा सुरक्षा केना कयल जाय एकरा धार्मिक स्थल केना रूप में अगाड़ी बढ़ायल जाए और ये धनुषा जंगल के धार्मिक जंगल के रूप में प्रस्तुत क के संरक्षित जंगल हेबे करे एकरा एके विस्तृत रूप में एकरा संरक्षण क के एकरा अगाड़ी बढ़ायल जाए ताकि पर्यटन ये आवे पर्यटन में भरि दिन दू दिन तीन दिन ये घूमे जंगल में घूमे एक पिकनिक स्पॉट बना दी कोनो साइड से ताकि अभियो ओना पिकनिक स्पॉट के रूप में धनुषाधाम में अवे तै दुआरे ये बहुत महत्वपूर्ण धाम है इसमें सब कोई के तत्व ध्यान देवे के और बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति सवाल है हम सब कोई के आग्रह करबे जे धनुषाधाम के लिए एक नजर ता के भीड़ है सब कोई के ई त धनुषाधाम तो बहुत प्रसिद्ध ठाव है जी ने एई ठाव के अब केना से केना बेसी से बेसी पर्यटक सब के एई ठाव में लाबे पड़ते तै के लागी ऊपर निकाय के सब अथी मानुभाव सब आयल है अब के विकास लागी सब जना मिलकर लाग पर इतिकै विश्व में चिनिन्छ किन चिनिन्छ भने जानकी मंदिर भन्ने बित्तिकै संसार में जानकी मंदिर कहाँ छ जनकपुरमा र त्यो जानकी मंदिर सँग जोडिएको ठाउँ भनेको धनुषाधाम हो त्यसले गर्दा पनि संसार में चिनिने जनकपुर र धनुषाधाम र यो धनुषाधाम को विकास को लागि यो भन्दा अगाडि पनि यहाँ म आएको थिए जतिखेर यो चाहिँ चरी चराउन पूर्ण रूप में बंद गर्ने कार्यक्रम थियो त्यो कार्यक्रम में आउँदाखेरि मलाई सबभन्दा खुशी के लाग्यो भने त्यतिखेरको जनसमुदायहरूले हामीले चाहिँ निर्धक्क तरिकाले कुनै पनि अब चरी चराउन गर्दैनौ बन्द गर्छौँ भनेर उहाँहरूले घोषणा गर्नुभयो यहाँनिर त्यसले गर्दाखेरि विकास गर्नको निमित्त सबभन्दा ठुलो कुरा के हुन्छ भने स्थानीय सहभागिता छ मूल त दुईवटा चिज हामी देख रहल छी एउटा धनुषाधामको जङ्गल दोस्रो धनुष मन्दिर यी दुईवटा चिजकै जोडिकन धनुषाधामको विकास जो गरल जाए तो जनकपुर के मात्र नै कि दू नम्बर प्रदेश के मॉडल विकास के रूप में हो सकैए एहि दुआरे कि दू नम्बर प्रदेश में एक अब चिड़ियाखाना के रूप में जंगल के विकास कैल जा सकैए तेकर बाद में जनक के चारू काते रिंग रोड के विकास कैल जा सकैए तेकर बाद में जनकपुर धनुषाधाम लुम्बिनी आ पशुपति के जोड़ के एक जे सोच बना के एक विकास कैल जाए तो एक बहुत विकास भेल जा सकैए चरी चरण तो बंद कर दिली लेकिन आप बर्दाश्त फाजिल कथी भ गेलै तो अब जंगल में जे अहाँ के जानवर सब है उ जानवर सब जाकर हमरा सब के एते अखन दुख दे है जे बर्दाश्त से फाजिल हो रहा है बुझलिए वही दुआरे हम कथी कहलिए जे अहाँ सब आब कथी करू विकास त करू त कथी के करू पहिने
पहिने अहाँ रिंग रोड आ बाउंड्री करू, ओकर बादमे अहाँ चिड़ियाखाना बनाउ, शिव सागर बनाउ, नदी बनाउ, पोखरी खनू, लेकिन सबसँ पहिने प्राथमिकता है कि अहाँ बाउंड्री आ रिंग रोड बनाउ। अगर ई नहि बनेली नहि तऽ आब हमरा सुनके किसान सब बर्दाश्त सँ फाजिल हो रहल अछि, ताहि दुआरे हम अहाँ सबसँ रिक्वेस्ट करै छी कि सबसँ पहिने बाउंड्री आओर रिंग रोड बनाउ। कि एहिमे जे स्थापना भेल छै वनस्पति उद्यान, जेकरा आय स्रोत अभिवृद्धिके लेल एहि चारिटा वी डी सी जेकर बफर जोनमे पड़ै छै ओहिमे वनस्पति उद्यानके कार्यक्रम सब आयमूलक सञ्चालनके वास्ते सुगन्धित वनस्पतिके खेती प्रारम्भ कयल जाए, ओहि टेक्नोलॉजीके हमरा सब चारिटा वी डी सीमे आओर धनुषा जिलामे हमसब एकर विस्तार करब, ओहिसँ धान गहूँम मकईके अलावा भी जड़ी बूटीसँ बहुत ज्यादा इनकम होतै। दोसर नम्बरमे एकर विकासके लेल जे धनुषाधाम संरक्षित वन 71 साल आषाढ़ 3 गते जे परिषद गठन भेल ओहिमे एहि लेल बहुत बड़ा जलाशय छै, जमा जलाशयके क्षेत्रफल 8 हेक्टर छै, लेकिन ओहिमे 3 हेक्टरमे हमरा सब एहि लऽ के नगरपालिकाके सहयोगसँ जिला वनके सहयोगसँ पाउंड खनल गेल छै। हमरा सबके यऽ धनुषाधाम वनमे अखनो तरी जे अयके जनता, अयके नागरिक समाज, राजनीतिक दल सारा मिलकर हमसब वन संरक्षण कर रहल छी। हम वन सचिव जी के अतबे आग्रह करबै अय धनुषा धाम में रिंग रोड जे अखनो एगो किसान अयके जनता कहलखिन ग कि हमरा सबके बहुत जानवर सब दुख दऽ रहल है, अय बाउंड्री रिंग रोड आ चिड़ियाखाना एते के विकास करैत धनुषा धाम जंगल में वनस्पति उद्यान छै, वनस्पति उद्यान के सेहो विकास करै के जरूरी छै, ताहि दुआरे हम वन सचिव जी से स्पेशली आग्रह करबै अयके जनता जना लागि रहल है तेना वन सचिव जी मंत्रालय से ध्यान दै। कहला तऽ बहुत चीज सब चलि आयल छै, एहिमे रहि गेलै छूटल चीज में हम जे है से अहाँके राखऽ जा रहल छी। अपने के रिंग रोड बननाइ तऽ बहुत जरूरी छै, ओहिमे अपने के जंगल में भीतर में जाय के लागि ओहूमे अपने के जे है से रोड बनायल जेतै, दोसर में अपने के जे ठाँव ठाँव पर जे है से टॉयलेट देल जेतै, अखनी तक अपने के टॉयलेट जे है से बहुत कमी छै अपने के जे है से एहि भीतर में, कि अखनतो कर्मचारी सबके हम बहुत के देखलियै अपने के जे है से टॉयलेट कर जाइ छै जंगल में, आओर बहुत जे है से अबै छै पर्यटन सब तऽ जंगले में चल जाइ छै टॉयलेट करऽ, ओहो चीज होनाइ जरूरी छै। सचिव साहब के ओहो चीज कहबै, वास्तव में कहबै तऽ धनुषा धाम जेहने अपने के जनकपुर आओर धनुषा से जुड़ल छै वही ढंग हमरा सबके जन्म होइ छै तऽ एक दिन अंत होबऽ पड़ै छै, ताहिके लेल एकटा एहिठाम स्वर्ग द्वार के लेल एहि वन अथीसँ सेहो हम वन अधिकृत सचिव जी के कहै छियनि कि एकटा स्वर्ग द्वार के लेल सेहो एकटा व्यवस्था होबाक चाही। धनुषा धाम के माने हमरा केंद्र बिंदु पोखरी के सर सफाई सब प्रथम रामचंद्र भगवान आ लक्ष्मण जी जैले से पानी के तीर मारि के पानी निकलल है ओहि ठाम सबसे पहले हमरा वो रिंग रोड दुनू बगल से बालगंगा के 1.5 किलोमीटर मारे ओ बालगंगा देखा रहल है जैसे पानी निकल रहा है, वही लग तक आगे पर्यटन क्षेत्र के सबसे पहले विकास उठा हुआ चाहिए, वही लग अभी तक कोई आदमी हमसे नहीं हुई वहाँ पर्यटन क्षेत्र वही पहुँचल होते। धनुषा जंगल के विकास होना जरूरी है, धनुषा जंगल के विकास के हिसाब से ओना बहुते बात सब तो चलि अल जना रिंग रोड के बात अल हम कहे रिंग रोड बाहर और भीतर दोनों होबक चाहिए, फायर लाइन के व्यवस्था होबक चाहिए, बालगंगा नदी के मुहान है जरा स्थानीय भाषा में भबरी कहे वही भबरी के सुरक्षा संरक्षण और संवर्धन होना सेहो मतलब कि जरूरी है, फायर लाइन के व्यवस्था होबय पड़ल। हिंदू धर्म के बहुत पौराणिक समय जरे जो रहल है तो वही किस्म से एकरा हिंदू धर्म के चिन्हाबे के लेल एकरा ओय के ओरिजिन बना के वर्ल्ड वाइड स्तर में एकर सर्किट विस्तार के राजनीतिक दल लगा दिले नागरिक समाज के करत आवश्यकता छै। दोसर बात अहिला है के जते पौराणिक वनो छै एकरा है के ओपन जो वाइल्ड लाइफ सफारी कहै छै ओकरा मतलब वर्ल्ड लेवल के मतलब अवधारणा राखिकऽ एहिमे दह एकर सिंचाइ व्यवस्थापन बायोलॉजिकल एकर एनवायरमेंटल एकर महत्व सबके अवधारणा राखिकऽ विकास करैके आवश्यकता छै। दोसर बात छै खाली ओहि लऽ के विकास कऽ देबै बाट घाट रहबे नहि करतै, तकर बाद अहाँके एहि धनुषा धामके एगो क्लियर कॉन्सेप्ट राखिकऽ मतलब एकर यातायातके अति सुगम आओर एकदम स्पष्ट नीति सब बना के एकरा अहाँके राष्ट्रीय स्तर से अंतर्राष्ट्रीय स्तर से एकरा विकास करना सेहो जरूरी छै। तकर बाद हमरा बुझाय अखुनतो के प्रतिनिधि सभा में धनुषा धाम से बहुत
राजनीतिक दल सब समावेश है ओह लगे जब स्थानीय सब एक संरक्षण में अत्यक ऊंचाई पर पुगा देने से तो हमरा बुझा ये प्रतिनिधि सब हमरा बुझा हल्का का सहयोग करे थे धनुषाधाम एकदम अगाड़ी बढ़ जाते ते में कोनो अथी नहीं है और ये विश्वास है लगे जनता सब लेने से धनुषाधाम संरक्षित बन अठमन के ऐतिहासिक धार्मिक पुरातात्विक महत्व के चीज सबके संरक्षण क और अठमन रहल वनस्पति जंगल वन्य जंतु सिमसार क्षेत्र आ समग्र में संपूर्ण जैविक विविधता के संरक्षण क पर्यावरण के वृद्धि के मार्फत से स्थानीय जनता के आर्थिक समृद्धि के उद्देश्य लगे गठन भेले आ वही दिशा में हम सब अग्रसर छी तो अठमन अखन तक जतेक संरक्षण के काज भेल ओठमन के स्थानीय जनता के महत्वपूर्ण भूमिका है आ हुनके सबके सहयोग से अखन तक सब काज सफल भेल आ आगामी दिन में से हो जंगल के जे विकास के बात भ रहल है संरक्षित वन में एकटा प्राणी उद्यान के स्थापना के बात भ रहल है सीमांकन लगभग सम्पन्न होबे के दिशा में है जे किछ बाकी है वह कार्य में रिंग रोड बनाबे में वनस्पति उद्यान बनाबे में ऐ सब में हमरा बुझाइए ओठमन के स्थानीय वासी सब सक्रिय रूप से सहभागी होत आ ई सब काज सफल हेतै से हम आशा रखने छी तत्काल में ऐ साल राष्ट्रपति चूरे तराई मध्य संरक्षण विकास समिति से धनुष दह निर्माण के लेल 82 लाख रुपया के प्रपोजल स्वीकृत भेले जिला वन कार्यालय से 10 लाख आ धनुषाधाम नगर पालिका से 20 लाख क लगभग 1,12,00,000 में ये धनुष दह निर्माण व्यू टावर ये सब कार्य अबेर सम्पन्न होत आ रिंग रोड से हो कार्यक्रम हम सब रखने छी रिंग रोड बनाबे के 13 लाख रुपया धनुषाधाम संरक्षित वन कार्यक्रम से ओके लेल अ वर्ष में छुटियाल गेले आ वनस्पति कार्यालय से सेहो विकास के लेल किछ बजट छुटियाल गेल छे ई समग्र देखे त हमरा बुझाय है ई धनुष दह निर्माण रिंग रोड के किछ काज आ ओइ ठमन अइबेर सरकार प्रत्येक प्रदेश में एकटा प्राणी उद्यान बनाबे के जे नीति अन्ने ओइ नीति अनुरूप धनुषाधाम ई 2 नंबर प्रदेश में धनुषाधाम उपयुक्त जगह छे ताई के लेल हम सब कोशिश कर रहल छी कि अइठमन एकटा प्राणी उद्यान बने भारत में अध्ययन और अनुभव दुनू लेला के बाद धनुषाधाम वन के एकटा खुला चिड़ियाखाना के रूप में विकास करे के उद्देश्य के साथ मुख्यतः मिथिला वाइल्ड लाइफ ट्रस्ट संस्था के हम सब गठन कैली आ मिथिला वाइल्ड लाइफ ट्रस्ट संस्था गठन से पहले ही हम सब वन विभाग वन मंत्रालय से पहल क के धनुषाधाम वन के धनुषाधाम संरक्षित वन के रूप में घोषणा करे के नेपाल सरकार से पहल से हो करित रही तो दुनू काम संगे संगे भेल धनुषाधाम संरक्षित वन से हो घोषणा कैलक नेपाल सरकार और मिथिला वाइल्ड लाइफ ट्रस्ट से हो गठन क के हम सब मिथिला वाइल्ड लाइफ ट्रस्ट के माध्यम से कुछ सदस्य सब के जोड़ कर ओकरा सब के तरफ से हो कुछ आर्थिक सहयोग ल क आ विदेशी खास कर के भारत के 8-10 एकदम सफल चिड़िया खुला चिड़ियाघर नेशनल पार्क का बायोलॉजिकल पार्क तेने मॉरिशस दुबई कतार सबके जू के कंस्ट्रक्शन में से एक्सपर्ट के रूप में रह चुकल प्रोफेसर मवीश कुमार एमबी के हम सब केरला से अठाम राख के 1.5 वर्ष तक धनुषाधाम संरक्षित वन के अध्ययन क के आ तब धनुषाधाम संरक्षित वन के कार्य योजना सेहो बनायल गेल छै त एकटा वैज्ञानिक दृष्टिकोण से आ खास कर जंगली जनावर के राख के लागि अपना सब कोनो कंस्ट्रक्शन के बात करी त नेपाल में अखन तक अइ संबंधी गाइडलाइंस तैयार नै भेलै कम से कम अते क्षेत्रफल चाही त हम सब सेंट्रल जो अथॉरिटी ऑफ इंडिया जकरा ऊपर नेपाल सरकार सेहो निर्भर करै छै त ओकरा सब के गाइडलाइंस के आधार पर हम सब अइठाम के सभे डिजाइन सब सेहो तैयार कैली ड्राफ्ट लेआउट सब आ उ सब के मध्य नजर रखैत आ बहुत लंबा और गहराई रूप से अध्ययन कैला के बाद एक कार्य योजना सेहो स्वीकृत निर्माण भेले आ उहे स्वीकृतियो भेल छै अइ के खुला चिड़ियाखाना के रूप में हम सब विकास करे के सोच रखने छी
जनरली अपना सब चिड़ियाखाना में देखै छी कि एकटा पिंजरा में जानवर सब रहला बहुत दुख कष्ट के साथ कखनो जानवर सब के खुश नै देखबै तेहन अवस्था में हमसब कल्पनो नै कयने छी एहिठाम जंगली जानवर के राखब के आ कैला कि वन क्षेत्र अपना सब के छोट है धनुषाधाम संरक्षित वन ओना तो 360 हेक्टेयर में जंगली जानवर के एग्जीबिशन में राखि कऽ देखाब के सोच नेपाल में अखन तक हमरा बुझाए शायदे कतौ केकरो दिमाग में आयल होते लेकिन हमसब वही अनुरूप अगाड़ी बढ़ रहल छी वन के एकटा खुला चिड़ियाखाना या जियोलॉजिकल गार्डन के जे अखन नेपाल सरकार कंसेप्ट लेने छै तो जियोलॉजिकल पार्क में सेहो हमसब एकटा जे सीजेड या इंडिया के मिनिमम गाइडलाइन छै ओहिसँ कम से कम 4 गुना स्पेस दऽ कऽ हमसब जंगली जानवर के राख के बात कयने छी जे जू के रूप में अगर सॉफ्ट एनिमल सब के या कुछ खतरनाक एनिमल के राखल जतै तऽ मिनिमम जे रिक्वायरमेंट है वैसे कम से कम 4 गुना अब ओना तो नेपाल में अखन तक के जो 6 हेक्टर के मात्र छै ओकरा एक्सटेंशन के जे बात है वो 40 हेक्टर के मात्र छै अखन आ हम सब जे मिनी जू कहि के रखने छी ओकरो 60 हेक्टर में डिजाइन कयने छी तेने वाइल्ड लाइफ सफारी जे में जानवर सब जंगली जानवर सब खुला में रहते सोलर फेंसिंग के भीतर में आ अपना सब गाड़ी में बैठ कर घूम कर जानवर सब के देखबै तो वाइल्ड लाइफ सफारी से हो एकदम सफिशियंट स्पेस दक हम सब डिजाइन कयने छी ओना तो धनुषाधाम में 18 हेक्टर अखन कुल क्षेत्रफल वेटलैंड एरिया सिमसार क्षेत्र के रूप में छै जैमे से 7.5 हेक्टर क्षेत्र के अइबे राष्ट्रपति चुरे तराई मधेश संरक्षण विकास समिति कार्यक्रम के आर्थिक सहयोग में पुनः पोखरी के रूप में धनुषदह के रूप में स्थापित करे के कार्यक्रम छै अब ये स्थापित करे से पहिलहु अइ वन में हम सब 2 वर्ष कंटिन्यूस अध्ययन में देखली कि साइबेरियन क्रेन चरा छै जे 8-10 एकदम रेगुलरली रहै छै उ सब माइग्रेटरी बर्ड में अबै छै तेने एशियाटिक ओपन बिल ई सब एकदम रेयर मतलब मुश्किल से देखा वाला प्राणी चरा चुरुंगी सबसे हो वेटलैंड एरिया में कनिक शांत एरिया भेला के वजह से परमानेंटली रह रहल छलै ओहिठाम तो ई खना गेला के बाद से हो ओहि में बीच में हमरा सबके लगभग 5-6 बीघा आयरलैंड के रूप में छोड़ के कंसेप्ट है वो आयरलैंड के रूप में जे दह के बीच में रहते वही पर कुछ सॉफ्ट जानवर सब जना कछुआ या कहबी तो अपना सब राजहंस या कुछ माइग्रेटरी बर्ड कुछ जे परमानेंट रेजिडेंस डार्टर चरा सब जे कहै छै उ सब ओइसब वही रहते एकदम आरो बेसी अट्रैक्ट भकार ओकरा सबके संख्या में वृद्धि होते से हम सब सोच रखने छिए साथे बोटिंग के लागी सेहो ओहिठाम कुछ नियम सब राख कर आ कुछ स्ट्रिक्ट नियम राख कर बोटिंग सेहो करायल जते जहाँ तक कोई दह में माछा पालन या माछा राख के बात छै तो हम सब अध्ययन में देखलिए कि अखन तक पृथ्वी पर 2000 जते पॉपुलेशन मात्रे बाँचल माछ के सेहो धनुषाधाम के वन में पहले ही से एकदम प्रशस्त जनसंख्या छै जे कतौ काउंट में नहीं आयल छै इंटरनेशनली तो हम सब वहू पर काम करब लेकिन उ माछ सब के विकास करैत कुछ ऑर्नामेंटल माछा सब सेहो ओहिमे छोड़ल जाए ताकि बोटिंग के समय व्यक्ति सब ओके देख के आनंद सेहो लऽ सक तो आब हम आमंत्रण करय चाहै छी वन तथा भू संरक्षण मंत्रालय के सचिव डॉक्टर कृष्णचंद पौड़ेल जी के मंच पर धनुषाधाम जंगल लाई पर्यटकीय स्थल के रूप में विकास करने यहाँ के सोच्नु भएको छ सोचाई तो धेरै पहिला देखेको थियो हाम्रो गणेश रायजी र मैले पटक पटक यसको बारे में चिंतन गर्दै थियौं मैले यसको बहुत दुर्दशा अवस्था देखि अहिले सुधारको अवस्थासम्म निहालेको छु र तपाईँहरू जो धनुषाधामवासी हुनुहुन्छ जसले यसको संरक्षण गरेर यो स्तरसम्म पुर्याउनु भएको छ यहाँहरू सबैलाई म नमन गर्न चाहन्छु र अहिले जति पनि कुरा यहाँहरूबाट चाहिँ सुन्न पाइयो ती सबै कुराहरू स्वागत योग्य छन् यो क्षेत्रलाई धार्मिक पर्यटकीय जैविक सामाजिक र आर्थिक सबै कुराले विकास गर्न सकिन्छ त्यही हिसाबले नेपाल सरकारले यहाँको 360 हेक्टर वनलाई संरक्षित वनको रूपमा घोषणा गरेको हो अब संरक्षण योजनाभित्र के कुराहरू राख्दा उपयुक्त हुन्छ भन्ने कुरा यहाँबाट अघि उठिसकेको छ
यसको संरक्षण गर्नुपर्छ यसमा कुनै प्रश्न छैन यहाँ भएको पानीको संरक्षण गर्नुपर्छ माटोको संरक्षण गर्नुपर्छ वन जंगलको संरक्षण आगलागी र चरिचरणबाट गर्नुपर्छ र त्यसको साथसाथै यहाँ भएको सांस्कृतिक धार्मिक जुन धनुष इतिहास बोकेर बसेको छ त्यसको उजागर गर्नुपर्दछ तर साथसाथै यी सबै कुराहरूलाई यहाँको सामाजिक आर्थिक परिवेशसँग पनि तर सवाल के जोड्न आवश्यक छ भने सवाल के छ भने पर्यटनको कुरा गरौँ भने सबभन्दा अगाडि फ्रान्स छन् र दोस्रो स्थानमा अमेरिका छन् ती विकसित देशहरू जो अलरेडी धेरै अगाडि छन् तिनीहरू पर्यटनलाई बढावा दिइरहेको छ र वर्ल्ड वाइड क्षेत्रमा फरेस्टलाई टुरिज्मसँग जोड्दैछ अहिले सरको के सोचाइ छ धनुषाधाम जङ्गललाई कसरी टुरिज्मसँग जोड्ने धनुषाधामको वन जङ्गल र पर्यापर्यटनको बिचमा अनुनासिरित सम्बन्ध गाँसिएको छ यो धार्मिक पर्यटनको हिसाबले एउटा हुनसक्छ गङ्गा सागरमा हामीले चाहिने साँझमा आरती हेर्छौँ बिहान जानकीको दर्शन दिउँसो यहाँ आउन सक्छौँ र हाइवेबाट निक्लेर जान सक्छौँ त्यसै गरी पूर्व पश्चिम राजमार्गको छेवैमा भएको जो पनि यहाँबाट 9 किलोमिटर आएर यहाँ चाहिँ दर्शन गरेर जान सक्छ अहिले वन जङ्गल जैविक विविधता जलवायु परिवर्तन र पर्यटन यो सबै कुरालाई संयुक्त रूपमा यो संयुक्त राष्ट्र सङ्घीय जलवायु परिवर्तन र जैविक विविधता महासन्धिले वन र पर्यापर्यटनलाई चाहिने जोडिएको छ वनको संरक्षणको माध्यमबाट पर्यापर्यटनको विकास गर्ने हो न कि पर्यापर्यटनको लागि वनको दोहन गर्ने यहाँ वन जङ्गल रह्यो भने यहाँ जीवजन्तु हुन्छ चिडियाखाना सम्भव छ बायोलोजिकल पार्क भन्नुभयो त्यो सम्भव छ मिनी जूका कुराहरू गर्नुभयो त्यो पनि गर्न सकिन्छ तर त्योभन्दा असाध्यै यहाँ हामीले संरक्षण गर्नुपर्ने यसको महत्त्व जगाउनु पर्ने यहीँभित्रको वनस्पतिहरू छन् यहाँ वेद छ यहाँ बाण गङ्गा छ त्यो पानीसँग चाहिने आश्रित जीवजन्तुहरू छन् त्यो पानीसँग थुन्यो भने पर्यापर्यटनहरू हुनसक्छ र अहिले नेपाल सरकारले समृद्धिको लागि वन जुन भनेको छ त्यो समृद्धिको एउटा प्याकेज चाहिँ पर्यापर्यटन हुनसक्छ र समृद्धिको लागि वन भनेर जुन नारा नेपाल सरकारले अहिले ल्याएको छ त्यसको पनि एउटा मर्म छ नेपालको आधा भूमि वन जङ्गल क्षेत्रभित्र छ र त्यो भूमिलाई उर्वर बनाउन सकिएन भने नेपालको समृद्धि कहाँबाट सम्भव होला र त्यसको चारवटा पाटो छन् एउटा यसको वैज्ञानिक व्यवस्थापन त्यो संरक्षण लगायत हुनु पऱ्यो यहाँको सदुपयोग धेरै छ भनेर जथाभावी उपयोग गरेर भएन त्यसलाई जतन गर्नु पऱ्यो तेस्रो त्यसको व्यवसायीकरण गर्नु पऱ्यो र चौथो त्यसको वातावरण सिर्जना गर्नु पऱ्यो यहाँहरूले अहिले भनिराख्नु भएको कुराहरूमा धेरैजसो कुराहरू संरक्षणको कुरा छ व्यवस्थापनको कुरा छ त्यो व्यवस्थापन पद्धतिभित्र के राख्ने भन्ने यहाँहरूका चाहनाका इच्छाका कुराहरू छन् र त्यो सबै मिलाउने वातावरण भनेको यसलाई जोगाउने हो र यसको वरिपरि आर्थिक क्रियाकलापहरू समृद्धिको लागि हामीले सञ्चालन गऱ्यौँ भने मानिस यहाँ आएर डिस्टर्ब गर्दैन यहाँ आएर मनोरञ्जन गर्न पाउँछ त्यो हिसाबले अहिले हामीले चाहिने सोचिरहेको कुरा यही नै हो अहिले 7 प्रान्तको कुरा चलिरहेको छ त्यसमा प्रत्येक प्रान्तमा एउटा चाहिँ चिडियाखाना बनाउने हाम्रो अवधारणा छ यो क्षेत्रको लागि यो मात्रै एउटा यस्तो उपयुक्त स्थान मैले पनि व्यक्तिगत तवरले देखेको छु यसलाई भोलि गएर चिडियाखाना वनस्पति उद्यान जैविक उद्यानमा परिणत गर्न नसकिने कुरै छैन बरु मलाई लाग्छ यो सानो क्षेत्र हुन्छ अनि यो चिडियाखानाको लागि एउटा त कसो छैन चिडियाखानाको अनुभव सरलाई हामीभन्दा बढी होला जस्तै पटनामा चिडियाखाना छ बिहारको या काठमाडौँमै छ त्यो एउटा सर्टेन घेरामा राखेको जनावर जुन हुन्छ नि त्यो अलिकता धेरै त्यो बिरामी नै पर्छ दुःख पाउँछ धेरै दुःख पाउँछ र टुरिस्ट हेरेर त्यसलाई झन् दुःखी भइहाल्छ अब धनुषे धामलाई कसरी एउटा चिडियाखानाको यसको यसको लागि यो धनुषाधाममा हामीले यसले थाम्न सक्ने भन्दा धेरै काम गर्छु भन्दा पनि बिग्रन सक्छ यसको पहिला हामीले अध्ययन गर्नुपर्छ कति वन जङ्गललाई वन जङ्गलको रूपमा हुर्काउने जगाउने कति क्षेत्रलाई हामीले चाहिने तालतलाया सिमसारको रूपमा चाहिने विकास गर्ने बाँकी कति रहन्छ र त्यसले कति जन्तु जनावरहरूलाई धान्न सक्छ त्यति मात्रैको चिडियाखाना यहाँ सम्भव छ र यहाँ अहिले चाहिने दिल्लीको कुरा गरौँ हामीले अरू देशको कुरा गरौँ यो चाहिने चिडियाघर अथवा सानो सानो चाहिने कोठरीहरूमा जीवजन्तुहरूलाई पाल्दा हुने कष्टलाई बरु थोरै पाल्ने खुसीसँग पाल्ने अहिले एउटा नमुना हामीले हेऱ्यौँ पूर्वमा झापामा हामीले चाहिने एउटा नमुना हेऱ्यौँ समृद्धिको लागि त्यहाँ चाहिने ठिक्क जीवजन्तुहरू छन् ठिक्क सिमसार छ
बाँकी वन जङ्गल छ र दिनको एक लाखदेखि दुई लाख रुपियाँसम्म टिकटबाट आम्दानी गर्छ र मलाई विश्वास छ यो क्षेत्र अझ ठुलो छ त्यसले त्योभन्दा बढी महत्त्व राख्छ यहाँ सांस्कृतिक आफै यसलाई राज्यले लगानी पनि धेरै गर्नुपर्ने छैन यसमा पूर्वाधारहरूको लागि लगानी गर्नुहुन्छ अब चिडियाखानाको लागि चिडियाखानाको लागि अहिले नेपालमा कानुनको व्यवस्था थिएन नयाँ वन्यजन्तु ऐनमा हामीले त्यसको व्यवस्था गरिरहेका छौँ अहिले वातावरण संरक्षण समितिमा दफावार छलफल चलिरहेको छ उहाँहरू चाहन्छ कि सरकै कलमबाट यसको एउटा नीति बनोस् यसमा सम्भाव्यता अध्ययन हामी गराइदिन्छौँ र यसमा यहाँको सम्भाव्यता अध्ययनले जस्तो बनाउन सुहाउँछ त्यसको लागि हामी प्रयत्न गर्छौँ यो मेरो प्रतिबद्धता भयो ल हस् त धेरै धेरै धन्यवाद सचिवजी स्पष्ट रूपसँग कहलखिन ग जे धनुषाधाममे चिडियाखाना बने तकर हम जे छै एकटा जल्दिए एकटा टोली पठाएब आओर धनुषाधामके चिड़ियाखानाके लेल ओ प्रतिबद्धता व्यक्त केलखिन ग हम कहब जे सभगोटे हुनका ताली बजाके धन्यवाद धनुषाधाम वासीके अगर चर्चा करी तऽ जङ्गलमे आगि लागल रहै आओर कोइली चोचमे पानि भरिके ओ आगि बुताबैके प्रयास करै बगल ठाड़ि पर कौआ बैठल रहे कौआ कहलखिन कोयली बहिन जे तोरा बहुते ई विशाल जंगल में लागल आग बुतैतो तो कैला झूठे के प्रयास करै छा तोरा बहुते नहीं बुतैतो ई चोंच के पानि से ई जंगल में लागल आग तोरा बहुते कहियो नहीं बुतैतो कोयली जवाब दिलके जे ई बात हमहू बुझै छी कि हमर चोंच के पानि से जंगल में लागल आग नहीं बुता सकैए लेकिन काल्हि इतिहास बनतै तऽ एकटा होतै जंगलमे आगि लगाबैवला आओर दोसर होतै जंगलके आगि बुताबैवला बचाबैवला तऽ इतिहासमे हमर नाम रहत जंगलके संरक्षण करैवला ताहि दुआरे हमसब कौआ नहि बनी हमसब कोयली बनी आओर धनुषाधामके चारू साइड जे ग्रामवासी सब छथिन ओ निश्चय ही कौआ नहि ओ कोयली छथिन तैँ धनुषाधाम जे विगतमे ई जंगल समाप्त भऽ गेल छलै ओ आब बचा लेलकै आओर आब सचिवजीके सेहो दृष्टि पहुँच गेलै वन मन्त्रालयके सेहो दृष्टि पहुँच गेलै आब हम मञ्चपर आमन्त्रण करऽ चाहै छी ओ व्यक्तित्व छथि राष्ट्रपति तराई मधेश संरक्षण समितिके अध्यक्ष वीरेन्द्र यादव जी आब मञ्चपर हुनका हम आमन्त्रण करऽ चाहै छी हमसब सीधा बात करी जे धनुषाधामके बारेमे अपनेके परिकल्पना की है जे धनुषाधामके केहन बनायल जाए पर्यटकीय स्थलके रूपमे केना विकास हेतै हाँ हाँ सबसँ पहिले कनि इतिहासके बात करी जखन हम राष्ट्रपति चुरे तराई मधेश संरक्षण विकास समितिके अध्यक्षके रूपमे हम अयलहुँ तऽ सबसँ पहिले हमरा याद आयल जगह अइ कुछ समय ऑफिशियल वर्कके बाद जखन हमरा कनिक समय मिलल सोचऽके वास्ते तऽ शायद हम शंकर जी से बात कयने छी एहिसँ पूर्व DFO साहब वीरेन्द्र शाह हमर पुरान परिचित हुनका कहली हम सबसँ पहिले धनुषाधाम जाय चाहै छी हम अध्यक्ष ताहि दुआरे हम अकेले आए तऽ बढ़िआँ नहि कमसँ कम एहन वातावरण मिले राजकिशोर जीके सेहो ओहि दिन हम लेने छी बहुत बात भेलैए बहुत पुरान सङ्गी सब एतऽ चिन्हार छथिन युवा नेता दीपक जीसँ लऽ कऽ अनुभवी राम बाबूजी सेहो हमर सङ्गी छथिन तऽ ओहि दिन एकटा कमिटमेंटके बात आयल रहै पता नहि कहियो काल हमहूँ अध्यात्मसँ जुड़ल आदमी छी जेना डॉक्टर साहेब सचिवजी जुड़ल छथिन कतहु ने कतहुसँ एकटा आवाज अबै छै ओ सब लोक नहि सुनऽ पबै छै शायद ओहन लोक मात्रे सुनै छै जे कनि आध्यात्मिक चिन्तनमे रहै छै आ जे दोसरके पीड़ा बोध करै छै तेहन आदमी सुनै छै ई बात हमरा बुझायल कोनो शक्ति हमरा कहि रहल अइ एतऽसँ काज शुरू करतौ आ ओ तोरा आशीर्वाद प्राप्त आशीर्वाद देतौ आ तू आरो बरुआर भऽ कऽ आरो नेचुरल रिसोर्सके मैनेजमेंट करऽके लेल आरो पर्यापर्यटनके आरो व्यवस्थित करऽके लेल तो थप ऊर्जा मिलतौ तोरा आ तू लेकिन बहुत जगह की होइ छै अपनेके हम देख रहल छी जे अहाँके अपनेके चूरे संरक्षण समिति जी आओर वन मन्त्रालय या सरकारी दुनूके तालमेल नहि रहै छै मिलैत धनुषाधाममे केना मिलै बहुत जबरदस्त तालमेल रहैए महामहिम राष्ट्रपति विद्या भण्डारी जी एतेक संवेदनशील छथिन खास कऽ कऽ चूरेसँ लऽ कऽ तराई मधेशके समग्र विकासके लेल पहिले तऽ दुनिआँ बुझै छै आब बच्चा बच्चा बुझऽ लगलैए जे इसकुलमे
एलकेजी यूकेजी में पढ़ लगल से बच्चा बुझ लगल जाले तक चूरे के कंजर्वेशन जाले चूरे के व्यवस्थापन सही ढंग से नहीं होते तराई मधेस खतरा में वही के लिए संज्ञान लखन हमू आई वही वास्ते आयल करीब एक हफ्ता पहले राष्ट्रपति कार्यालय से हमारा फोन अल आ कहल गए कंजर्वेशन के काम सब कत कत दिक्कत भर छू तोरा बकायदा देख ओकर अनुसंधान कर पेपर प्रेजेंट कर हम संज्ञान के रूप में आगा बढ़ेब आ जीवर जी के उपस्थिति है अँ सुन लिए मंदिर से जुड़ल चीज जना दिनेश जी बात अखन रखल कि मंदिर के आय जंगल के केना संगे ल जेबे तो चीज जत राज्य के सर्वोच्च निकाय अपना मन में रखने से संज्ञान में रखने से तो हम सब तो स्वाभाविक है जिम्मा लग आये बेहतरीन काम है। वन मंत्रालय से कोनो कन्फ्लिक्ट के संभावना नहीं बुझाइए? वन मंत्रालय कन्फ्लिक्ट के संभावना एना से जत जे काम करे छे ने तत कन्फ्लिक्ट के हटि भर हम सब नकारात्मकली गलत सोच है हमरा से बुझाइए दू चार आदमी जत देखल की गेले अपने के अध्यक्ष जी जे चूरे संरक्षण समिति के जे रूप से दिखे के चाहिए बजट के फंडिंग से लगकर बजट जे बढ़ावा के जखन बात हुई चूरे समिति के तो जना बुझाई छी जे गलत जगह खर्च भ रहल है कि विगत में देखल गेलै अहू बेर जे फंडिंग भेलै सवा दू अरब भेलै लमसम पहले पौने दू अरब छलै जतेक बढ़ावा के चाहिए डबल चूरे बिना नेपाले के परिकल्पना नहीं छी तराई मधेश के बातें छोड़ देलियै। हम बहुत बेर ई बात कहलियै बहुत बेर बात कहलियै ताहि दुआरे शंका ओतऽ भ रहल है कि समग्र समग्र देश के लाइफलाइन छै आखिर चूरे हरेक हिसाब से नेचुरल रिसोर्स के हिसाब से जीविकोपार्जन के हिसाब से आ एक बात हम थपिया तब हम अपने के जवाब देब 21वीं शताब्दी के विकास यदि जीविकोपार्जन से नहीं जोड़ल जा सके तो वो विकास सस्टेनेबल नहीं है दिगो नहीं है बहुत जल्दी वो विकास के अवधारणा ध्वस्त होते हरेक डेवलपमेंट सेक्टर वो INGO है बड़का चाहे राज्य हो चाहे इकोनॉमिक जते अप्रोच सब अलिए नया नया वेलफेयर से लक धीरे धीरे उ सब डेविएट भक वा मेन स्ट्रीमिंग भक लाइवलीहुड अप्रोच में अल अहाँ एतो कतबो खर्च कल एक अहाँ जीविकोपार्जन से लोग के जीविकोपार्जन से नहीं जोड़ सकबे तो बहुत दिन ये आकर्षण नहीं टिक सके। बिल्कुल अंतिम बात अपने से करी जे अपने के जे समिति है समिति धनुषाधाम में की कर जा रहा है अहाँ सब की मंगलिए से पहले कहूँ बात सब तो बहुत ही अपने सुन लिए जे बात सब उठल लेकिन कर की जा रहा है आप अखन तो बहुत छोट इकाई में हम सब काम कर रहल छी जैसे बहुत संतुष्ट हम नहीं छी लेकिन एक टा बहुत बड़का शुरुआत करा गेलिए आप सहयोग निरंतर चल इंग्लिश में एकरा इनिशिएटिव कहे छै हमरा मैथिली प्रॉपर शब्द अखन नहीं आबि रहल है शुरुआत कह सकै छी अपने 10 बीघा करीब एत सिमसार क्षेत्र के हम सब 82.5 लाख रुपया राष्ट्रपति चूरे बोर्ड से नगरपालिका से 20 लाख वन से 10 लाख के हाराहारी में हम सब एक छोट इंटीग्रेशन के रूप में काम करबे जत सिमसार के व्यवस्थापन तेकर बाद पर्यटक सबके वो चीज देखावला कुछ डेकोरेशन कुछ ब्यूटिफिकेशन आ व्यू टावर के रूप में हम सब डेवलप कर रहल छी लेकिन तहिया से हो एक बात हम कह चाहब हम कली सोचो तो बड़ा सोचो छोट किया वीरेंद्र शाह जी के हम कहने रहिए एक मेगा प्लान लाओ आ एक बेर हम चाहे वहीं हम सब जाए लेकिन माइक्रो प्लान अल छोट प्लान अल में हम सब काम कर रहा जी जब जागा तब सवेरा चलो बहुत बहुत धन्यवाद। जे चर्चा परिचर्चा अपने सब कैली है धनुषाधाम के विकास के समग्र संबंध में राष्ट्रपति तराई मधेश चूरे संरक्षण समिति के अध्यक्ष वीरेंद्र यादव जी स्पष्ट रूप से कहलखिन जे अपने सब एक मेगा प्लान लाओ मास्टर प्लान बनाओ विज्ञ सब के राखि कर और हम सब मात्र कंक्रीट के विकास तरफ नहीं जाए केवल हम सब जे से कंक्रीट के निर्माण करत जाए तो देखावा मात्र होत और सरकार जो अपन सहयोग खींच लेत तो कंक्रीट गिर पड़त तो हम सब जे से प्रकृति के संरक्षण करत जे प्रकृति के साधन स्रोत जे एकरो हम सब जे से संरक्षण के केंद्र बिंदु में राख धनुषाधाम के चिड़ियाखाना के विकास के रूप में केना बढ़ाई धनुष दह के केना बढ़ाई रिंग रोड के चर्चा उठल है रिंग रोड बहुत ही जरूरी है और ओकर जे चारू साइड से घेरा सेहो जरूरी है कारण ई जंगल छे जंगली जानवर सब जे बढ़त जेते तो उपद्रव जे तते करा लागत तो जे लोग अखन जंगल के संरक्षण करैया
काल के दिन में वो लोग जैसे संरक्षण नहीं करते तो जो जंगल सुरक्षित नहीं रहत तो धनुषा धाम के विकास नहीं। तो जंगल के सुरक्षा जंगल के संरक्षण जो सचिव जी कह चुकल है कि सर्वोपरि अपना सबके केंद्र में राखे पड़त अठमन के गाछ वृक्ष भी संरक्षण रहे और तेकर बाद जैसे हम सब अगाड़ी बढ़ाई तो निश्चय ही धनुषा धाम के विकास होते। और हम सब गंभीरतापूर्वक सोची और सब गोटे के सोचे के आवश्यकता चल आयल जैमे राजनीतिक दल के स्थानीय नेता सब छथिन उनका सबके गंभीरतापूर्वक सोचे पड़ते और हम सब शांतिपूर्वक झई झगड़ा में बिल्कुल नहीं पड़ी। जे झई झगड़ा में यदि पड़ब गंदा रहत अशांत रहत तो पर्यटक नहीं आए अहाँ केहनो चिड़ियाखाना केला नहीं बना लिए तो पर्यटक अहाँ के नहीं आए। और सबसे महत्वपूर्ण बात जे बड़ा सुंदर जगह हम बना लेब लेकिन सड़क यातायात कमजोर रहत तो पर्यटक नहीं आए। और जनकपुर आबे वाला पर्यटक जे जानकी जी के दर्शन करे छे वो पर्यटक के कम से कम धनुषा धाम अभी के है वो वातावरण बना पड़ते। और धनुषा धाम वासी निश्चय शुरू में कह लीजिए अपने सब भाग्यशाली ने अपने सब सौभाग्यशाली छी कारण अपने सब जाओ भारत के कोनो प्रांत में आ कहियो जे हमर घर धनुषा धाम है अहाँ के देह स्पर्श करत कहत साक्षात जनक के वंशज सीता माता के परिवार राम भगवान के सासुर के लोक सब से दर्शन भेल भगवान जे का अहाँ के देह स्पर्श करत और कह जे हम जनकपुर पहुँच गेली इस शक्ति अ भूमि में ते दुआरे हम सब अई चीज के कहियो ने बिसरी ई देव भूमि है देव भूमि के हम सब बनाबे के संकल्प धनुषा धाम जंगल के चारू साइड में रहल ग्रामवासी आप लौ चुकल है हम सब अगाड़ी बढ़ाई पुनः 14 एपिसोड लग हम रामशीष उपस्थित है अखन के लिए विदा दिल जाए प्रणाम। Yada purushottam pa